हेलो दोस्तों, मैं राकेश मिश्रा आपका वेलकम करता हूँ राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास में। और रसायन विज्ञान की अगली वीडियो, 12वीं क्लास में विद्युत रसायन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हम देख चुके हैं। और इसके आगे और लास्ट जो हमारा वीडियो था वो इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड या सेल का गुण है। इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभवांतर की जानकारी पिछली वीडियो में प्राप्त की है, इसकी लिंक हम आपको देंगे, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और इसी के आगे नेंसर्ट समीकरण, एक ऐसा समीकरण है, साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया है। और इन्होंने जो समीकरण दिया है ये तीन राशियों में संबंध बताता है। इलेक्ट्रोड विभव में, जिसको हम ई से दर्शाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको ई जीरो से दर्शाते हैं, ताप और सांद्रता, चार राशियों में संबंध व्यक्त करने के लिए किसी विद्युत रासायनिक सेल के लिए जो समीकरण दिया उसे नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। तो आपका समय कीमती है, इसलिए हमारे साथ आइए और तेजी से हम चलते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं नेंसर्ट समीकरण की। माना एक सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। देखिए, ये जो हमारी सेल अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय है। 11वीं में रासायनिक साम्यवस्था का जो पाठ है उसके आधार पर हम जानते हैं कि दो प्रकार की उत्क्रियाएं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल है। इसमें ये अग्रदिशा है आगे और ये पश्च दिशा है। ये जानकारी हम आशा करते हैं कि होगी आपके पास। यदि नहीं है तो क्रियाकारक उत्पाद में बदल सकते हैं, उत्पाद वापस क्रियाकारकों में। इसका एक अनुपात निकाला जाता है, यहां पर उसको क्यू से दर्शाते हैं। और ये अनुपात जो है उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, इससे हम डिनोट करते हैं। ये सी का एक्टिव मास, डी का एक्टिव मास, ए का एक्टिव मास इंटू बी का एक्टिव मास। ये जो बड़ा सा कोष्टक देख रहे हैं आप, इसको हिंदी में सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ये है एक लीटर में मोलों की संख्या, एक लीटर बिलियन में बिलिय की मोलों की संख्या, एक लीटर बिलियन विद्युत अपघट की मोल, कुछ भी। अब इसमें कमी रह गई कुछ, जो सामने अणु रहते हैं ये घात में चले जाते हैं, स्मॉल ए की घात, स्मॉल बी की घात, स्मॉल सी की घात, स्मॉल डी की घात। तो ये क्यू बना लिया और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर एक। हम लोग नेंसर्ट समीकरण की उत्पत्ति करने जा रहे हैं, नेंसर्ट समीकरण को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और कंप्लीट देखिए तो आपको क्लियर आज के बाद बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं एक दूसरे टॉपिक में। 11वीं का टॉपिक है ऊष्मागत की थर्मोडायनामिक्स, इसकी हेल्प लेंगे यहां पे हम। और ऊष्मागत की में डेल्टा जी, ये नाम सुना है, ऊष्मागतिक फलन है, इसमें जी है गिब्स वैज्ञानिक थे अमेरिका के, बहुत एक शास्त्री, उन्होंने दिया है डेल्टा लग गया तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल मतलब चेंज। यहां पे हम देख सकते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी और लॉग क्यू, एक समीकरण ऊष्मागत किया जिसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें डेल्टा जी मान, डेल्टा जी जो रहता है मैंने आपको बताया मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, जैसे मानक इलेक्ट्रोड होता है ऐसे मानक, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक और टी परम ताप है, और क्यू अनुपात जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है। तो अब इसके अंदर हम डेल्टा जी का जो मान होता है माइनस एम एफ ई, एक नया संबंध हमारे सामने, इसमें सभी चीजें बताएंगे हम आपको, सभी राशियों को अलग अलग हम अध्ययन कर लेते हैं।
जैसे एन है, एन क्या है दोस्तों, यहां पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। देखो कल इलेक्ट्रॉन प्रवाह देख रहे थे हम एनोड से कैथोड, धारा कैथोड से एनोड। तो दोस्तों यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है एनोड, कितने इलेक्ट्रॉन कैथोड ग्रहण कर रहा है, उसकी संख्या है। इनकी और जानकारी हम सवाल में जब हम मिनी मेरिकल वैल्यू करेंगे तो बताएंगे आपको। फैराडे ये होता है 96,500 कूलम, आवेश का मात्रक है, माइकल फैराडे के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ई क्या है, इसके लिए तो जरूर आपको पिछली वीडियो में जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक देंगे आपको। इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु द्वारा अपने लवण विलयन में, जैसे सल्फेट है नाइट्रेट है, किसी धातु द्वारा अपने लवण विलयन में इलेक्ट्रॉन देना अथवा लवण के आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रोड हो गया। एक और इसमें ये देखिए दूसरा रिलेशन हमारा, इसमें क्या अंतर है, इसमें एक चीज बढ़ गई है तो हम बढ़ा दे रहे हैं। ई जीरो ये भी बताया था मैंने, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड जो कि एनोड पर आता है जैसा आप देखे हैं, और अपचयन कैथोड पर आता है अपचयन इलेक्ट्रोड। लेकिन दोस्तों अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को मानक परिस्थितियों अर्थात 25 डिग्री ताप, एक वायुमंडलीय दाब और एक मोलर सांद्रण पर कॉन्सेंट्रेशन पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव रिजेक्ट कर दिया है तो इसको शामिल नहीं करेंगे हम। अब ये जो दो आए आपके, इसको हम नंबर दे रहे हैं, ये दो नंबर इक्वेशन है, ये तीन नंबर है, और इनको हम इस समीकरण के अंदर रख रहे हैं। ये जो हमारा समीकरण नंबर है, हम इसको दो दे रहे हैं तो ये तीन और चार हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए अब यहां पे हम समीकरण दो में मान रख रहे हैं, काय के मान रख रहे हैं, समीकरण दो में डेल जी का और डेल्टा जी जीरो का मान रखने पर चले चलो। तो डेल्टा जी का मान यहां पे क्या है देख लीजिए आप, इसमें से माइनस एन एफ ई। समीकरण दो बराबर के बाईं पक्ष में थे, हम दाएं पक्ष में जा रहे हैं। डेल्टा जी जीरो का मान क्या है, माइनस एन एफ ई जीरो हो गई बात। प्लस यहां पे क्या है आर टी और यहां पे लॉग क्यू। देखो यदि हम लॉग की बात करें तो थोड़ी सी चर्चा हो जाए, ये लॉग इसको हम लोग एलओजी भी लिख सकते हैं, ई बेस होता है, इसको प्राकृतिक लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग। एक और लॉग होता है, ये आपने पढ़ा होगा लॉग 10, ये कॉमन लॉग है, प्राकृतिक लॉग कॉमन लॉग। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल घात, चर घातांक की जिसको बोल सकते अपन, ई जो है पावर है। तो इन ये जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग नहीं लिखना तो एल एन चल जाता है, वो बोल एल एन चल रहा है, आखिरी में इसमें अपन बदल लेंगे एक दूसरे में, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, एक हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इस समीकरण में माइनस एन एफ का भाग देने पर जगह जगह एन एफ दिख रहा है तो खराब लग रहा है तो उसको काट देते हैं, और कैसे काट सकते हैं, माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई जीरो प्लस आर टी बटे, यहाँ भाग देना है साथ में, ठीक है, माइनस एन एफ से भाग देना है। तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, माइनस एन एफ ई बटे माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई जीरो भाग दिया प्लस आर टी माइनस एन एफ और यहां पे लॉग क्यू। इसमें बहुत सारी चीजें जो है
आपस में से माइनस से माइनस, एन से एन, एफ से एफ, माइनस से माइनस, ये आपस में जो है कैंसिल हो गए, तो जो कुछ बच रहा है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे और हमारा जो है एनसेट समीकरण जल्दी से आ जाएगा। कैसे आएगा, इसमें क्या बच रहा है, ई बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या सब कुछ कट गया, मार कट हो गई, ई जीरो बचा, यहाँ पे नीचे माइनस है जो कि प्लस के सामने आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे और क्या है आर टी बटी एन एफ और लॉग क्यू अभी चल रहा है। यहां पे अपन लॉग चेंज कर लेते हैं लघुगणक, मैंने आपको बताया था लॉग ई बराबर 2.303 लॉग 10, ये दोनों में संबंध है तो हम इसकी जगह ये रख सकते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा। ये कर दिया हमने, यहां पे मान 2.303 बटे एन एफ आर टी और ये हो जाएगा लॉग 10, क्यों चल रहा है चलने दो। क्या किया हमने दोस्तों, एलन की जगह हमने बताया ना कि आप एलन को लॉग ई लिखते हैं तो हम लॉग ई को लॉग 10 बना दिए। अब ये जो संख्याएं बगल में आ रही हैं ये बहुत सारी हैं, आर जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक है, ये हमने क्या कर दिया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। आपने गैस अवस्था में विलयन पढ़ा होगा, आर है सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसके कई मान होते हैं, 11वीं क्लास की वीडियो बताएंगे, फिलहाल इसका जो मान है 8.314 लेना है आपको, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ताप तो मैंने बताया 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में रखेंगे हम मान, ठीक है हो गया। एफ क्या है, फैराडे की संख्या, 96,500 कूलाम, इन सभी मानों को यहां से उठाना है, ई बराबर ई जीरो 2.303 8.314 298 अपॉन एन, नहीं रख रहे अभी एन, क्यों नहीं रख रहे, एन से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, एन का मान बदलेगा, हर सेल का एन अलग होता है, कहीं 2+ कहीं 3+, तो एन अभी जब तक आप किसी समीकरण में नहीं लगाएंगे तब तक इसका मान रखना संभव नहीं है, ठीक है बात क्लियर समझ आ रहा है। यहां पे अब ये जो चल रहा था लॉग 10 क्यू, इसको हमने अभी नहीं बदला है, अब क्यू का मान यहां से उठाएंगे, देखिए तो यहां पे आ जाएगा ई बराबर ई जीरो। अब एक दोस्तों ई जीरो को हम ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड भी लिख सकते हैं। कल का जो वीडियो था हमारा लास्ट वीडियो आप देखिए इलेक्ट्रोड विभव वाला, उसमें आपको पूरी बात समझ आ जाए, कैथोड का विभव ज्यादा रहता है एनोड का विभव कम रहता है, धारा का प्रवाह कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड, जहां ज्यादा विभव होगा ना वहां से कम विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव, जैसे ऊष्मा कहां से कहते उच्च ताप से निम्न ताप, तो विद्युत का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव होता है अर्थात कैथोड से एनोड होता है। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको जो राशि मिलेगी वो हम आपको बता दे रही है, कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, और लॉग 10 क्यू का मान यहां रख देंगे अपन, वही मान रखेंगे सी की पावर डी की पावर ए की पावर बी की पावर, ये रख दिया हमने। अब यहां कुछ समझने वाली बातें हैं, बहुत बेसिक है, देखो क्या होता है, ये चार चीजें आ गई, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसी सेल की बात करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी, ये आपका आ गया इक्वेशन तैयार हो गया आपका नेंसर्ट इक्वेशन। हमने कहां से स्टार्ट किया है, रासायनिक सामस्ता की हेल्प ली, ऊष्मागत की हेल्प ली, ठीक है, रासायनिक समय इसमें जैसे केसीकेपी बनाते थे आप लोग वही तरीका, यहां पे उत्पाद ऊपर क्रिया कारक नीचे, ऊष्मागत की में हमने मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का समीकरण लिया, एनएफईस के मान रखिए, मुक्त ऊर्जा और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध है दोस्तों, डेल्टा जीरो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, इनके मान रखे, इसे डिवाइड किया जैसे आपने देखा, बेस चेंज किया हमने और ये हमने सभी मान
रखते रखते यहां पे आप आ गए हैं। अब हमारी सवाल की बारी आ गई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं हम इससे। एक सेल जो निकल और कापर से बना है, देखो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक IUPAC का है, मैं अलग से नहीं बनाया हूं, वो ही आपको पढ़ाऊंगा। ये एनोड है, ये कैथोड है, हम कैसे जान लिए? दो तरीके हैं जानने के, एक तो विभव के आधार पे आप बहुत अच्छे से पहचान लेंगे कौन सी राशि प्लस में है, ये माइनस में है। भाई कॉमन सी बात है, बिल्कुल छोटी बात है, माइनस वाली राशि जीरो से कम होती है, अर्थात तो ये कम विभव है, और कम विभव कहां होता है? एनोड पर। बस ये एनोड बन गया, और ये अधिक है तो अधिक वाला क्या बन जाएगा? अभी अभी मैंने बताया था अधिक वाला क्या होता है, कैथोड, और कम वाला क्या होता है, एनोड। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बेसिक, ये बातें आपको आएंगी तभी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम आगे बढ़ाएंगे, एनोड पर हम एक क्रिया करा रहे हैं, एनोड पर होती है ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है काम। और कैथोड पर, रेड गेट, कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो अपचयन कर दीजिए, दो से दो कट जाएंगे, निकल प्लस कापर दो प्लस, यहां कापर निकल दो प्लस। दोस्तों एक समझने वाली बात है, निकल ठोस है, कापर ठोस है, इनका एक्ट मास एक होता है, उत्पाद यहां पे क्या है, निकल और कापर एक एक तो है ही सभी, तो यहां पे हम जो मान रखेंगे और नीचे क्या आएगा, मतलब ऊपर निकल आएगा कि नीचे आई, कैसे बताएंगे? उत्पाद ऊपर आता है यार, निकल ऊपर आएगा, निकल की कॉन्सेंट्रेशन। और कॉपर कहां गया? इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, बहुत अच्छे से देख लें आप, इसकी वैल्यू भी एक हो जाएगी, जो ठोस अवस्था में होता है उसकी वैल्यू वन हो जाती है, रासायनिक सामस्ता। तो इसको हम अब बिना देर किए सॉल्व करने वाले हैं। चलिए E बराबर कैथोड, कौन सा देखा था? कैथोड पे तो अधिक होता है 0.34 वोल्ट, माइनस माइनस 0.25 वोल्ट, प्लस 0.0591 अपॉन N का मान, साफ साफ दिख रहा है N का मान, ये दो प्लस, ये दो प्लस, अर्थात निकल ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कापर ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। हम ऐसे भी सवाल कराएंगे, एक पर दो प्लस, एक पर तीन प्लस, एनोड ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, कैथोड को तीन कैसे? इसकी जानकारी के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा हमारा, बड़े ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर आएगा दोस्तों उत्पाद, मतलब निकल, और नीचे क्या आएगा? कॉपर, निकल ऊपर कॉपर नीचे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ये प्लस करेंगे तो 59 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर दोस्तों ध्यान से रखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, मैंने प्लस लगा दिया था, 0.0295 लॉग। निकल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? निकल की ये दी हुई है, ये देखिए 0.01, कॉपर की 0.1 कॉन्सेंट्रेशन, दशमलव दशमलव कट जाएगा, मतलब ये कितने हो जाएंगे? E बराबर 0.59 माइनस 0.0295 लॉग, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, यहाँ 100 डेसिमल, दशमलव गए तो कुड़ा भाग आते हैं आपको, जीरो से जीरो कट गया, 10 की घात ऋण एक हो गया। E बराबर 0.59 0.0295, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा log 10 टू दी पावर माइनस 1। माइनस 1 कहां जाएगा log के लिए? log m की घात n बराबर माइनस 1 सामने जाएगा। E बराबर 0.59 माइनस j, और यहां माइनस 1 और आ गया, तो प्लस कर दें, ये प्लस कर दिया, मतलब सीधी बात ये राशि प्लस हो जाएगी, और ये लगभग आपका इतनी वैल्यू आ गई, और यही आपका आंसर होगा। दोस्तों नेंसर्ट समीकरण विद्युत रसायन का एक टफ माना जाता है, NCERT कोर्स के अकॉर्डिंग टू, हर स्टेट में, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, सभी स्टेट्स में, जहां पर भी NCERT चलता है, CBSE चलता है, सभी जगह
एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड, ये तो कॉमन है, सामान्य है। ये न्यूमेरिकल इस तरीके से किया और नेंसर्ट समीकरण को बड़े ध्यान से आप देख लें पूरा, और एक एक करके रोक रोक के आपको देखना है कहाँ से हेल्प ली। ये बात बड़ी बेसिक है। अगले वीडियो के अंदर हम जब इसके न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करेंगे पूरे वीडियो में, तो हम आपको दो तीन प्रकार के सवाल और कराएंगे अलग से। आप ध्यान से देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है तो हम जैसे टीचरों के लिए बहुत एनर्जी आ जाती है, वर्क, और हम तैयार हो जाते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त के सभी के साथ, जितने भी व्हाट्सएप हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी जगह आप फॉलो कीजिए और सभी जगह अपने दोस्तों को भेजिए। राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन आए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।